रुक जाओ, मैं देखूंगा। आप मत, माता के आपकी आवाज तो कैथल पार नहीं कर पाई अभी। भारत माता के, भारत माता के, धन्यवाद। कलायत विधानसभा क्षेत्र के राजौंद में होने वाले इस चुनावी सभा में बहुत ही नौजवान संघर्षशील नेता भाई नायब सिंह सैणी जी, और आज साथ ही हमारी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से आई यहां सांसद बहुत ही फायर ब्रांड वक्ता इस क्षेत्र से बहुत पुराने समय से अपना जुड़ाव रखने वाली और अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी भावी विधायक बहन कमलेश डाना जी हमारे बीच में इसी इलाके के पुराने नेता, पूर्व में कई जिम्मेवारियां सरकार में भी संभाली ऐसे हमारे श्री रामपाल माजरा जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुर्जर जी, ऐसे ही पूर्व में विधायक रहे श्री सज्जन सिंह ढोल जी, पार्टी के नेता श्री सुरेंद्र राव जी, शकुंतला वजीर खेड़ा जिला के उपाध्यक्ष अजीत चहल, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष, पार्टी के सभी हमारे मंडल अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, जैसा अपने को पता है हरियाणा विधानसभा के चुनाव का डंका बजा है। चुनाव अभियान, चुनाव प्रचार जोरों पर है। जैसा आज हमारी ये सभा हो रही है, निश्चित रूप से बाकी पार्टियों के लोग भी आपके पास आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। हमको सबको क्या करना है, जैसा पता है कि 2014 में पहली बार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की सरकार बनी थी और हमने 5 साल हरियाणा की जनता, बल्कि मैं हरियाणा की जनता नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये 2.5 करोड़ लोगों का मेरा परिवार, इनकी हमने सेवा की है। दिन रात एक करते हुए चैलेंज बहुत थे, उन चैलेंजेस को स्वीकार करके हम आगे बढ़े। हरियाणा बनने के बाद 48 साल तक बाकी सब पार्टियों ने भी काम किया, हमने भी देखा। मंच पर बहुत से लोग बैठे हैं, सीधे सीधे उस राजकाज से जुड़े भी रहे, अनुभव बहुत हैं सबके। आज तो मेरा इतना ही कहना है कि हमारा ये 5 साल का राजकाज और पिछले 48 साल का राजकाज, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का रहा हो, अन्य किसी पार्टी का रहा हो, बहुमत का रहा हो, गठबंधन का रहा हो या समर्थन का रहा हो, तुलना सब लोग कर रहे हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं, जैसा कह रहे हैं कि राजनीति के मायने बदले हम, और उस बदलने के पीछे हमको जो प्रेरणा मिलती है वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलती है।
मुझे याद है, मीडिया के मित्रों को तो और अच्छी तरह पता होगा, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र भाई मोदी, उनको एक मीडिया के व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मोदी जी आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। अब अनुमान अपने अपने हिसाब से सबने लगाया होगा, कोई कहेगा कि बेरोजगारी चैलेंज है, कोई कहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, कोई कहेगा बिजली पानी सड़क ये चैलेंज है, कोई कहेगा इंडस्ट्री लगाना चैलेंज है, कोई भी बात कही जा सकती है। लेकिन उन्होंने क्या चैलेंज बताया मालूम है? उन्होंने कहा कि मेरे सामने बड़ा चैलेंज यह है कि जो मेरे बिरादरी के लोग हैं, बिरादरी का मतलब उन्होंने अपने जाति या बिरादरी या कोई खानदान से मतलब नहीं था, बिरादरी का मतलब उनका था ये जो राजनीतिक नेताओं की बिरादरी है, इनकी छवि को सुधारना ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि राजनीतिक नेताओं की छवि पिछले बहुत वर्षों तक बहुत अच्छी नहीं रही। अच्छे लोगों को अगर कहा जाता था कि आप राजनीति में चले जाओ, वो हाथ जोड़ देते थे, नहीं हमारा काम नहीं है। राजनीति के कहा जाता कि राजनीतिक नेता है तो मन में विचार कोई अच्छा नहीं आता था, कुछ भी सोचते थे। नेता का मतलब ये 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 ये, आज मैं बोलूंगा तो शायद कुछ लोगों के मन को चुभ सकता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बीते 5 साल में चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उनके रीति नीतियों को कायम रखते हुए केंद्र में प्रदेश में बहुत से सरकारें जो चल रही हैं, बहुत से हमारे नेता हैं, उस लाइन पर चले, उस दिशा में चले, और आज उस राजनीति का माया नाम ने बदला कि जो राजनीति लोग जिसको सत्ता को भोगने के लिए आते थे कि सत्ता को कैसे भोगा जाए, कैसे अपना घर भरा जाए, कैसे अपने बेटे बेटी पोते पोती दोते दोती नाते नातन भाई भतीजे साढ़े जीजे सबका घर भरना, उनका घर भरना ही उद्देश्य होता था। वो कहावत है ना कि वो बांटे रेवड़ियां फिर अपने को दे कौन, मैं अपने अपने मुंह से कभी कभी कहता नहीं ऐसी बातें। हम इसलिए देते थे, ये जनता का पैसा जनता के लिए लगना चाहिए, हमारे कौन से बाप का, जनता का है, हमारी जायदाद नहीं है। हमें तो 1 महीने में वो सैलरी मिलती है अपने, उस सैलरी में असल में उसको भी खर्च करने वाला तो मेरे पास कोई है नहीं, वो कच्ची हो गई 5 साल में। इस बार क्या हुआ, बड़ा मजा आया, एफिडेविट फॉर्म भरना पड़ता ना, वो क्या भरना पड़ता, नॉमिनेशन पर एक शपथ पत्र देना पड़ता है। तो पिछली बार की हमारे बाप ने 1.5 किले जमीन दी थी, 50 लाख उसके थे, और 10-12 एक छोटा सा घर था, कुछ नगर 61-62 लाख की मेरी प्रॉपर्टी पिछले 5 साल पहले थी। अब 60-62 लाख इस बार बच गए, हर महीने का बचते दे लिया खर्च लिया उसके बाद ही बच गए 5 साल में, अब हो गए 1,32,28 लाख कुछ ऐसे। क्या सीएम मनोहरलाल की प्रॉपर्टी ये बढ़ते बड़े ईमानदार डबल हुई। अरे भाई 1,28 लाख डबल हो गई, थारे खाते निकाल के देख लिए तो किसी के 500 करोड़, किसी के 600 करोड़, किसी के 900 करोड़ ये प्रॉपर्टियां मिलेंगे थारे। मारा तो किसी को चुभ रहा हो 1,32,32 लाख तो भाई ले लो। तो मित्रों हमने कुछ सिस्टम बनाए हैं, उस सिस्टम के आधार पर सरकार चल रही है, पार्टी के भी सिस्टम है, सरकार के भी सिस्टम है, इनके ना पार्टी का सिस्टम ना सरकार का सिस्टम। पार्टी का हाल तो यह है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना जी, लोकसभा चुनाव के बाद ना जी मैं को नहीं रहूं अध्यक्ष, कोई और टोल हो, लेकिन नॉन गांधी परिवार का होना चाहिए। घोषणा कर दी भाई ने, पप्पू ने अस्तीफा दे बैठा
लगे टॉर्च लेके सारे देश में ढूंढने, कोई अध्यक्ष मिल जाए, अध्यक्ष मिल जाए, नॉन गांधी परिवार मिल जाए, नॉन गांधी परिवार मिल जाए। 3 महीने बाद क्या किया, किसको बनाया अध्यक्ष? सोनिया गांधी। खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई, उसके भी कुछ पल्ले नहीं था कुछ, क्योंकि सोनिया और राहुल और इस गांधी परिवार के आगे इनको कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखता। यानी परिवारवाद कितना हावी है, पूरा समय ये लोग उसी के गुण गाते हैं। हम कोई भी भाषण शुरू करते हैं ना तो मां को याद करते हैं, कौन सी मां को? भारत माता को। अभी आज 7-8 दिन पहले एक वायरल हो गया इनका वीडियो, एक प्रत्याशी है गुड़गांव के, मैंने एक जगह भाषण दे दिया, भारत माता ही बोलना चाहिए, तो उसने क्या वायरल कहा कि गुड़गांव में भारत माता नहीं चलेगी, यहां तो सोनिया माता चलेगी। अभी उसने वायरल किया है, कोई मैंने झूठ नहीं कहा। हमने एक बात जरूर कही कि चलो इसके ऊपर यही पता कर दो कि वायरल वीडियो गलत है कि ठीक है, ठीक है या फेक है, अगर फेक है तो खंडन कर दो। लेकिन खंडन करना भी समस्या है। समस्या क्या? गले की फांस, ना ये कह सकते ठीक है ना ये कह सकते गलत है। अगर ठीक है कह दें तो सोनिया माता तो राजी हो जाएगी, जनता नाराज हो जाएगी, और गलत है कह दें तो जनता तो थोड़ा सोच लेगी शायद इनको अकल आ गई, लेकिन सोनिया माता नाराज हो जाएगी। तो किसको नाराज करें, दो पार्टों के बीच में फंसे हुए। और ये कैसे रंग बदलते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा था हमारा, 370 का खत्म करने के लिए, उसका निष्प्रभावी करने के लिए अमित शाह जी ने राज्यसभा में एक बिल पेश कर दिया। हमने उसी दिन एक धन्यवाद प्रस्ताव विधानसभा में रखा कि हम प्रधानमंत्री जी का हमें 370 ठीक है। हुड्डा जी आप किस रो में कह गए कि 370 हटाना ठीक है, कभी मेरा तो अपना पर्सनल व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है। ध्यान में ये तो आता है कि पर्सनल व्यू ओपिनियन इसलिए रखा होगा कि उन दिनों में कांग्रेस में पूछ नहीं थी, अब दबाव बनाने के लिए कह दिया होगा, दबाव बनेगा शायद मेरा कुछ बन जाए, पता नहीं उस दबाव से हुआ कुछ और हुआ, कुछ दिन बाद इनको सत्ता में मुख्य धारा मिल गया, कट गया पत्ता अशोक पवार का और जा गए। अब हम कहते हैं कि अब तो कम से कम पारित करवा दो प्रस्ताव कि भी 370 हटाना ठीक है, आज अब तो आप मुख्य धारा में आ गए हो, अब फंस गए ना इधर ना उधर। तो इनको कोई देश नाम से लेना देना नहीं। जैसा मैंने कहा ना, मोदी जी ने शुरू में कहा था देश पहले मैं बाद में, बाद में हम अपने आप को रखते हैं, ये लोग पहले अपने आप को रखते हैं, देश जाए भाड़ में, कोई देश की चिंता नहीं करता। जब हम देश की, स्वदेश की, देशभक्ति की, देशभाव की, राष्ट्र की बात करते हैं तो ये कहते हैं आपके पास तो मुद्दा ही केवल राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्र यानी आप जो भाव रखते हैं राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर चलते हैं। अरे हम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चलेंगे, प्रदेश के मुद्दों पर भी चलेंगे, पंचायतों के, जिला परिषद के, नगर परिषद के, नगर निगम के, सब मुद्दों पर चलेंगे, किसी मुद्दे पर आप हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हमने जिला, कौन है हमारे जिला परिषद के चेयरमैन? जिला पार्षद है, चेयरमैन तो नहीं आया। हमारे से पहले जिला परिषदों को 1-4 करोड़ से ज्यादा उनके पास बजट नहीं होता था, हमने धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अब इस आखिरी साल में 22 से 25 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया कि जिला परिषद काम कराएंगे। पंचायतों को भी अथा पैसा दिया है, कई स्कीमों में दिया है। पंचायतें कहते हैं कि भाई ये पैसा कहां से आ रहा है, पैसा भाई वही है, ये केवल इतना ही है जो पहले 1 रुपया चलता था नीचे 15 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया सीधा किसी के थ्रू नहीं जाता, बीच में पकड़ाते नहीं किसी को, आरटीजीएस इसके माध्यम से 1 रुपया डालते हैं, 1 रुपया सीधा खाते पहुंच जाता, बीच में कहीं टाका नहीं लगता। तो ईमानदारी के साथ काम करने बहुत तरीके हैं, सब चीजें ऑनलाइन कर दी हैं, सरकार की सब योजनाएं सेवाएं ये हमने ऑनलाइन कर दी हैं, हमने अच्छे कामों के लिए रिकॉर्ड बनाए हैं और कई रिकॉर्ड अपने बनाए हुए तोड़े भी हैं। हम रिकॉर्ड तोड़ते हैं
और ये क्या करते हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं स्टेज पर। अपने प्रदेश अध्यक्ष को मार मार के घायल किया, अस्पताल में दाखिल हुआ, FIR हुई। अब ये पार्टियां चलाने का मामला है इनका। मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी हो, सरकार हो, नीतियां हो, काम करने का तरीका हो, ईमानदारी हो, सब चीजों में आप भारतीय जनता पार्टी को आंकेंगे बहुत आगे है। और हरियाणा में ये एक ऐसा समय है कि जब सब लोग कहते हैं, जो लोग कहते थे ना शुरू में मैंने कहा कि अनाड़ी है, आज सब लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो राजनीति का खिलाड़ी है, अनाड़ी नहीं है। वो इसलिए हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, 6 महीने पहले बता दिया। तो आज मेरा निवेदन आपसे कि आने वाली 21 तारीख को चुनाव होता है, हमको सबको तैयार रहना है। इस प्रकार से मन में ये विचार नहीं आना चाहिए जैसे कहते ना जीतते को पड़े यह क्यों करना है, ऐसा नहीं। वोटर को पोलिंग बूथ पर पहुंचाना, हर एक से कमल के बटन पर दबा करके और वोट डलवाना, ये हमारा सबका काम है। जिताएंगे और जिताने के बाद मार्जिन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि उससे भी एक विश्वास बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के काम के ऊपर मुहर लगती है। अगर आपको लगता है कि आप 5 साल में ठीक ठाक काम किया, तो एक बड़े मार्जिन के साथ हम अपने इस कलायत विधानसभा में हमारी बहन कमलेश ढांडा जी को आप लोग जिताएंगे। इधर से उधर घूम करके आता जाता रहा, कम से कम उसको धूल चटा दे, ऐसा ही था ना। तो भाई जरा ध्यान रख करके आगे बढ़ना, कलायत से हमको बहुत अपेक्षाएं हैं। जहां 75 हमको मंजूर, वहां कलायत जरूर। इतना ध्यान रखना, बहुत बहुत धन्यवाद।